हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, श्रमिकों के खाते में भेजे 5,000 रुपए। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने 23,256 निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि जारी कर दी है। कुल 11.6 करोड़ रुपए अगले 1-2 दिन में सभी श्रमिकों के खातों में पहुंच जाएंगे। भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 4,92,000 श्रमिकों को पहले ही पैसा भेजा जा चुका है। कुछ श्रमिकों के बैंक खातों में दस्तावेजों की कमी के चलते इन्हें पैसा नहीं मिला था। प्रधानमंत्री मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार ने ये घोषणा की है। प्रधानमंत्री को 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। जी हां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी की खराब तबीयत के चलते सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने शहबाज को पीएम पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए थे। यूक्रेन की स्थिति चिंताजनक, हमने सहायता की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की। जी हां, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अपनी वर्चुअल बैठक के दौरान कहा कि भारत ने यूक्रेन में नागरिक आबादी की सुरक्षा और उनकी मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर महत्व दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। देश में पेट्रोल 33 और डीजल 41 रुपए हुआ महंगा। 8 साल में इतने बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। बीते 8 सालों में पेट्रोल 33 रुपए 15 पैसे और डीजल 41 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 1 अप्रैल 2014 को दिल्ली में पेट्रोल 72 रुपए 26 पैसे और डीजल की कीमत 55 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर थी। तो वहीं 11 अप्रैल 2022 को दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे और डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच गया है। सरकारी पैनल ने बच्चों में कोवोवैक्स के उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अधिक डेटा मांगा। जी हां, देश के केंद्रीय औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के एक विशेष पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अपने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण आवेदन पर कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को 7 से 11 साल के बच्चों में प्रशासित करने के लिए अधिक डेटा मांगा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पिछले महीने DCGI से एक आवेदन में बच्चों के बीच कोवोवैक्स के उपयोग के लिए EUA की मांग की थी। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं लेकिन कश्मीर का हल निकाले बिना अमन संभव नहीं। जी हां, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ ने अपने पहले भाषण में कहा कि भारत के साथ हम अच्छे संबंध चाहते हैं लेकिन कश्मीर मसले का हल निकाले बिना अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और दवाई व शिक्षा की कमी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दूंगा सभी मुद्दों का मिलकर समाधान निकालें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।